सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बीकराम में भीषण आग लगने की वजह से 20 एकड़ से ज्यादा फसल की नुकसान की संभावना बताई जा रही है। ये नुकसान सही समय में फायर ब्रिगेड न पहुंचने की वजह से हुआ। किसानों का मानना है कि कई एकड़ में लगी फसल का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही कई नेता पहुंचे और फोटो खिंचवा कर रवाना हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी जब आप पार्टी के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को लगी तो मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ प्रशासन से एक बार फिर आग बुझाने की मांग की। जिला अध्यक्ष आम पार्टी एवं प्रसून मिश्रा यूथ अध्यक्ष आप पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन और प्रशासन से उचित मुआवजे की भी मांग की है। व्यवस्थित बोलिए, व्यवस्थित व्यवस्थित लेके आए उसको। खाली गाड़ी आई है वो, खाली गाड़ी आई है। यहाँ के पास में चली है और पांच मिनट बाद गाड़ी खाली हो गई। पानी बोर पे भराए थे, पानी बोर पर आए जब इसमें पानी नहीं था साहब, बोर से यहाँ से भर पाया। ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। किसकी विफलता मानते हैं आप? बहुत नाराज हैं और बैठे हुए कलेक्टर महोदय पुष्प जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब ग्रामीण हैं जिनके दिए हुए टैक्सों से, जिनके मेहनत से कमाए हुए फसलों से आपको, आपके परिवार को जो है ये वेतन मिलता है। समस्त अधिकारियों को मैं आपसे विनम्र विनती करूंगा कि अगली बार जब गाड़ी आप व्यवस्था बनाए, आग की जो व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से एक नई कमेटी बैठ के, और इस प्रकार गाड़ी जब आए ये पानी भरा रहना चाहिए। ये समस्त लोगों के सामने कह रहे हैं, बड़ी चूक है कि जब आग लगे आपकी गाड़ी जब आती है तो वापस बोर से भरकर बुझाना पड़ता है। ये बहुत दुखद बात। एक एकड़ मेरा जल गया, राई 5-6 टाली हमारी लगी थी मेड़ में, वो पूरे जल गए हैं, उसमें एक भी वो नहीं है। मात्र ये 5 न होने के कारण पूरा अब देश प्रसाद तिवारी का राई 5 टाली, राबेन्द्र तिवारी का 2 टाली राई मेड़ में, आप देखिए सर्वे करिए, पूरी राई जल गई है। मेड़ में रखा हुआ था पूरा काट काट के, पूरी जल गई है।